शादी के लिए महाराष्ट्र से लड़कियों का अपहरण, अहमदाबाद में खरीद फरोख्त, देवेंद्र फडणवीस के बयान से हड़कंप। महाराष्ट्र विधानसभा में एक हैरत भरी बात सामने आई है जिसे खुद राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार ने स्वीकार किया है। महाराष्ट्र सरकार ने यह माना कि राज्य में अब भी गरीब लड़कियों की खरीद फरोख्त होती है। राजस्थान और गुजरात के अहमदाबाद के पास स्थित गांव में शादी के लिए 1 से 2 लाख रुपए में लड़कियों का सौदा होता है। विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लिखित उत्तर में कहा कि इस साल जनवरी में शादी ब्याह के लिए लड़कियों के अपहरण के 24 मामले दर्ज किए गए। 2021 में इस तरह के मामलों में 448 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। विधान परिषद के सदस्य महादेव जानकर ने यह मामला उठाया था। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2021 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 405 मामलों में 418 महिलाओं का अपहरण किया गया था, जिसमें 363 नाबालिग लड़कियां थीं। यह मामला सामने आने के बाद से सियासी हड़कंप मचा हुआ है। 21वीं सदी में जब महिलाओं की साक्षरता और सुरक्षा पर इतना ध्यान दिया जा रहा है, ऐसे माहौल में इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। विधान परिषद के सदस्य विलास पोतनीस व सुनील शिंदे ने मुंबई से गायब हो रही लड़कियों के संबंध में सवाल पूछा। इस पर फडणवीस ने कहा कि 2022 में महिला अत्याचार के कुल 6,133 मामले दर्ज किए गए। मुंबई से 1,330 नाबालिग लड़कियां गायब हुई, जिनमें 1,097 तो मिल गई, लेकिन 233 लड़कियों का अब तक पता नहीं चला है। 2022 में 18 साल से ज्यादा की 4,437 महिलाएं गायब हुई, जिनमें से 1,398 का अता पता नहीं चला।